2024 दिन सोमवार को आप सभी का स्वागत है हमारे शो अजय एस्ट्रो मनी गुरु में। मैं काव्य जैन आपको अपडेट करने के लिए लेकर आ गई हूँ आज की नई खबर। अगर आपने अभी तक हमारे शो को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फर्दर डिटेल व रिसर्च रिपोर्ट के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9414056705 या 9887056704 पर। आज के शो में बात करेंगे नई मूंगफली की आवक के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं कि शो में दिए जा रहे सभी भाव व आंकड़े विश्वसनीय सूत्रों से एकत्र किए गए हैं। फिर भी कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं उसकी जांच कर लें, और कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। ये सभी जानकारियां आपको अनुसंधान और शिक्षण के लिए दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार के लाभ और हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। सूत्रों के अनुसार आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में खरीफ रबी सीजन की आवक समाप्त हो चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल में आवक जारी है, तथा उत्तर प्रदेश, राजस्थान के सुमेरपुर और गुजरात के डीसा पालनपुर लाइन में आगामी 10 दिनों बाद नए माल की आवक प्रारंभ होने जा रही है, और वर्तमान मौसम की स्थिति को देखते हुए माल की क्वालिटी अच्छी आने की उम्मीद लगाई जा रही है, और रुपए 60 से 65 काउंट 10,100 रुपए इस वर्ष इन लाइनों का माल, दक्षिण 40 से 50 काउंट 10,400 रुपए के मूल्य भारत सहित अन्य राज्यों में सप्लाई पर व्यापार हुआ। देश के सभी किराना बाजार और तेल मिलों में आवश्यकता के अनुसार स्टॉक है, जबकि इस वर्ष अब तक गुजरात में मूंगफली और अरंडी का स्टॉक पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है, जिससे अधिक तेजी नहीं आएगी। जानकार सूत्रों के अनुसार केवल केंद्र सरकार द्वारा आयातित खाद्य तेलों पर आयात शुल्क लागू करती है, तो तिलहनों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि मूंगफली, करडी, तिल, सूर्यफूल और खोपरा मूल्य स्थिर हो गए हैं, और वर्तमान मूल्यों की स्थिति को देखते हुए किसानों को समर्थन मूल्यों के मुकाबले अधिक मूल्य प्राप्त हो रहा है, जिससे तिल मूंगफली बुआई बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के अमरावती, परभणी, हिंगोली, जिंतूर, येलथरी लाइन की प्रतिदिन 8 से 10,000 बोरी की आवक पर 5,800 से 6,200 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य पर व्यापार हो रहा है। उत्तर प्रदेश के झांसी मंडी में प्रतिदिन 1200 से 1500 बोरी पुराने माल की आवक पर 5,100 से 5,200 रुपए, लोकल लूज तथा HPS दाना 80 से 90 काउंट 8,400 रुपए, 70 से 80 काउंट 8,600 रुपए, 60 से 70 काउंट 8,800 रुपए के मूल्य पर व्यापार हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में कर्नाटक का HPS मूंगफली दाना 50 से 60 काउंट 10,900 रुपए, 80 से 90 काउंट 9,900 रुपए, नया सफेद आंध्र का माल 50 से 60 काउंट 11,000 रुपए, 80 से 90 काउंट नया 10,000 रुपए, तथा कदरी 50 से 60 काउंट 10,200, आंध्र के आदोनी, करनूल, अमिगनूर, मडकशीरा, धर्माबरम, नरपाला लाइन में मिलाकर साप्ताहिक 2,000 बोरी की आवक पर 6,700 से 6,950 रुपए के मूल्य पर व्यापार होने से HPS दाना 80 से 90 काउंट 10,100 से 10,200 रुपए, 60 से 65 काउंट 10,400, चिन्नी 10,600 रुपए, 60 से 70 काउंट चिन्नी 10,200, महाराष्ट्र 10,500 रुपए, 90 से 100 चिन्नी डिलीवरी 9,600 से 9,700, कल्याणी 8,600, चिन्नी 8,800 के मूल्य पर व्यापार हुआ। तेलंगाना के जड़चड़ला अचमपेट में साप्ताहिक 1,000 से 1,200 बोरी मूंगफली की आवक पर लोकल में 6,040 से 6,837 रुपए, तथा महबूब नगर में HPS दाना 80 से 90 काउंट 9,600 रुपए, 60 से 65 काउंट 10,500 रुपए, 50 से 60 काउंट 11,200 रुपए, 90 से 100 काउंट 9,500, कल्याणी 8,600 रुपए के मूल्य पर चेन्नई हैदराबाद के लिए लदान हो रहा है। हैदराबाद में आंध्र का मूंगफली दाना 140 से 160 काउंट 9,100 रुपए, 80 से 90 काउंट 10,000 रुपए और 70 से 80 काउंट 10,200 रुपए, 60 से 70 काउंट 10,500 रुपए, 60 से 65 काउंट 10,700 और 50 से 60 काउंट 11,100 रुपए,
तथा आंध्र के कदरी लाइन में लेपाक्षी 80 से 90 काउंट 9,400 रुपए, 70 से 80 काउंट 9,500 रुपए के मूल्य पर व्यापार हुआ। गुजरात के राजकोट सहित मूंगफली उत्पादक केंद्रों पर मिलाकर प्रतिदिन लगभग 35 से 40 हजार बोरी की आवक पर G20 किस्म एक्स्ट्रा क्वालिटी 6,500 से 6,600, सुपर 6,200 से 6,400, एवरेज 5,750 से 5,900 रुपए तथा नंबर 39 किस्म 6,250 से 6,670, मीडियम 5,650 से 5,755, एवरेज 5,400 से 5,500 रुपए तथा मूंगफली दाना मुद्रा डिलीवरी बोल्ट किस्म 60 से 70 काउंट 9,450 रुपए, 50 से 60 काउंट 9,650 रुपए, 50 से 55 किस्म 9,750 रुपए, 40 से 50 काउंट 9,900 रुपए, 40 से 45 काउंट 10,050 रुपए, 38 से 42 काउंट 10,200, नया जाबा 80 से 90 काउंट 10,000 रुपए, 60 से 70 काउंट 10,300 एवं 50 से 60 काउंट 10,600 रुपए के मूल्य पर व्यापार हुआ। राजस्थान के उत्पादक केंद्रों पर मूंगफली 5,800 से 6,000 रुपए एवं जयपुर में HPS दाना 40 से 50 काउंट 10,200 रुपए, 50 से 60 काउंट 9,900 रुपए, 60 से 70 काउंट 9,600 रुपए, 70 से 80 काउंट 9,300 रुपए पर व्यापार हुआ। तमिलनाडु के तिरुकोविलूर, कोडुमुड़ी, वृद्धाचलम, अबलूरपेट, डिंडिगनम लाइन की मंडियों में मिलाकर प्रतिदिन 2 से 3 हजार बोरी की आवक पर 6,800 से 7,800 रुपए तथा चेन्नई में मूंगफली दाना एक्सपोर्ट क्वालिटी पीनट प्रति 80 किलो बोरी 8,200, जेएल मिक्स 8,300, आलमगुड़ी में जेएल मिक्स 50 से 60 काउंट 10,400 रुपए, 80 से 90 काउंट 9,400 तथा तिरुवन्नामले में 80 से 90 काउंट 10,850 रुपए के मूल्य पर व्यापार हुआ। आज का शो यहीं समाप्त होता है। आपको एक और खास बात बता दूं कि अगर आप साप्ताहिक न्यूज़लेटर कृषि जींसों की अपडेट के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप मात्र 3,000 वार्षिक शुल्क पर कर सकते हैं। तो कॉल करें 9818310203 या 9887056704 पर। आज के शो में इतना ही, धन्यवाद।